नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशनल न्यूज और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रेलवे एलपी को लेकर के। बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों और इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन सबसे पहले जो आरआरबी का साइट है बेंगलुरु का उस पर आया हुआ है और इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आप रीड कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपका दिया गया है, या फिर मेरे ऑफिशियली साइट ASRSSUK.com पे भी जाके आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपका अपडेट कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आपका जो अपडेट है वह 400 रुपया और 250 रुपये रिफंड को लेकर के। आप सोच रहे हैं 400 और 250 ये क्या होता है, तो जब आपने फॉर्म को फिलअप किया था वहाँ पे आपका बोला गया था अगर आप परीक्षा को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा अगर आप किसी तरह से क्वालिफाई नहीं होंगे तो। ठीक है, तो उस पैसा को रिटर्न कैसे क्या करना है, कैसे आपको आसानी से पैसा मिल जाएगा, उसी चीज़ को लेकर के ये मेरा वीडियो है। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि जो भी अकाउंट से आपने पैसा कटवाया होगा उसी अकाउंट में आपका पैसा आएगा, और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा आरआरबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन बोल रहा है। ठीक है, तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट कैफे से या फिर किसी फ्रेंड से भरवाए होंगे फॉर्म, तो देखिए आपके पास एक ऑप्शन है, आपको एक ही बार चांस दिया जाएगा कि जिस भी बैंक अकाउंट आपने वहाँ पर डाला था तो आप अभी भी जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए पूरा अच्छे तरह से, और उनको बोलिए कि मेरा पैसा जब आएगा तो मुझे रिफंड दे देना। या फिर दोस्तों आप ये अगर चाहते हैं कि जो बैंक अकाउंट वहाँ पे आपका पहले से ही डाला गया है उसमें आप कुछ परिवर्तन करके, यानी कि अपने जान पहचान वाले लोगों का वहाँ पे अकाउंट नंबर डाल के, ताकि जिस पे आपको यकीन हो उस पे आप पैसा मंगवा लें, आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसका लिंक दोस्तों एक्टिवेट होगा, ये लिंक जब एक्टिवेट होगा तो आपको दो सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। पहला प्रोसेस ये रहेगा कि अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे किसी भी अकाउंट में पैसा मंगाना जो आपके भरोसेमंद का व्यक्ति हो, या फिर आपका अपना ही अकाउंट अब हो चुका हो, उस टाइम आपका नहीं था जिस टाइम आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे, तो वहाँ पर आप अपना नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो ऑलरेडी पहले से ही अपने अकाउंट से पैसा कटवाए थे तो उनको वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल के वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। फिर उसके मोबाइल नंबर पे जो रजिस्टर होगा, जो फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने दिया होगा उस पे एक ओटीपी जाएगा, उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल्स को कन्फर्म कर लिया जाएगा और उसके बाद आपका डायरेक्टली IFSC कोड के माध्यम से आपको पैसा भेज दिया जाएगा दोस्तों। और ये पैसा 1 अक्टूबर के बाद ही आपको मिलेगा, ऐसा अपडेट ऑफिशियली साइट पर है, सब कुछ नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर चल रहा है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और उम्मीद है दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिशियल साइट ASRSSUK.com पे विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। ओके।